टू माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ प्रभजित कौर संधु और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक शानदार रेसिपी और वो है वेज बिरयानी। तो चले चलते हैं अपने किचन में, मैं लेकर चलती हूँ आपको और बताती हूँ कि मेरा मेथड क्या है वेज बिरयानी बनाने का। तो चलिए चलते हैं किचन में। जी फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, प्याज काटा है एक तो बारीक काटा है, लहसुन है, अदरक है और ये मैंने दो प्याज लंबे लंबे काट लिए हैं। वेजिटेबल्स में ये मैंने शिमला मिर्च काटी है, मटर लिए हैं ग्रीन वाले और ये आलू मैंने पानी में काट के रखे हैं। और चावल बासमती चावल लेंगे और ये मैं बनाऊंगी बिरयानी का मसाला। इसमें ये तीन चार है लाल मिर्च सूखी हुई, तेज पत्ता है, इसमें काली मिर्च है, तीन चार लौंग है, दालचीनी की स्टिक्स है, जीरा है, सौंफ है और ये स्टार फूल है और एक दो मैंने ली है ग्रीन इलायची और दो ही मैंने ब्लैक ली है। तो इसको हम रोस्ट करके पहले ये तैयार करेंगे, उसके बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। और ये मैंने ली थी छोटी वाली सोयाबीन की चंक्स लिए हैं जो चावलों में पड़ते हैं। और ये जो चावल है इतने हैं, इसको हम ये आधे से ज़्यादा है, ये कटोरा बड़ा वाला आधे से ज़्यादा चावल है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इनको चावलों को राइस कुकर में डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर इनको पकने के लिए रख देंगे। इनको अच्छे से धोकर जितना पानी चावलों में डलता है हमने उतना ही डाला, इससे काफ़ी कम डाला है तो इसको मैंने रख दिया है। तो अब हम कर लेते हैं मसाला तैयार। आपको तो पता है जो बिरयानी का मसाला होता है वो स्पेशल होता है, वो गर्म मसाले से थोड़ा उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्योंकि मैं अभी जो गर्म मसाला वो मैं घर का ही बनाती हूँ तो उसमें बस वो तीन चीज़ों से ही बनता है। तो इसमें तो आपको मैंने बता ही दिया मैंने क्या क्या डाला। इसको थोड़ा सा रोस्ट करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। खुशबू आनी शुरू हो गई है तो ये हो चुका है रोस्ट। तो इसको हम ठंडा होने के लिए इसमें प्लेट में निकाल देंगे। ठंडा होता है तो फिर इसको ग्राइंड करते हैं। ये पैन में हमने थोड़ा रिफाइंड डाला है तो इसमें हम अब जो है जो हमने लंबे प्याज काटे हैं उनको फ्राई करेंगे। इनको अच्छे से भूनना है, एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेना है इनको। ये मैं बताना भूल गई थी, ये दो टमाटर और चार पांच हरी मिर्च और पुदीना लिया है, इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। जब कलर चेंज कर लेंगे तब हम इनको अलग से एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा और तेल डाला है मैंने और थोड़ा सा डालेंगे जीरा।
जो बारीक कट के रखे थे। ये हमारा मसाला हो चला है तैयार। इसमें अब हम सूखे मसाले डालेंगे। इनमें मैंने आपको मैं भूल गई बताना, उसमें मैंने चावलों में हाफ जो टीस्पून है नमक डाला है, जो नॉर्मल नमक होता है। इसमें अब हम सेंधा नमक डालेंगे। पहले हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। कम डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च भी पड़नी है और जो बिरयानी का मसाला बनाना उसमें भी रेड चिलीज जो है वो डालनी है, इसलिए हिसाब से बच्चों ने खानी है तो ज़्यादा मिर्चें नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम सारे डाल देंगे सब्जियां जो काट के रखी है, जो अवेलेबल थी वही मैंने वो डाल रही हूँ। इसमें बहुत कुछ डलता है, आपकी मर्जी है, जो जो सब्जियां आप पसंद करते हैं वो डाल लें। मेरे बच्चे शिमला मिर्च पसंद करते हैं, मेरे शिमला मिर्च और मटर है, ये सारे थोड़ा सा डालेंगे पानी। ये सारी सब्जियां मैंने डाल दी है इसमें, अब इसको हम ढक कर पकाएंगे। जब तक ये पकती है तब तक हम मसाला पीस लें। ये बिरयानी मसाला मैंने पीस के छन्ने से छान लिया है और जो थोड़ा सा बचा है उसमें डाल दिया, वो जब मैं पेस्ट बनाऊंगी ना उसमें अच्छे से हो जाएगा ठीक से, तो ये अब डाल देते हैं। सब्जियां हमारी पक रही हैं तो इसमें हम ये डाल देंगे। डेढ़ चम्मच के करीब डालेंगे। ये हमने बनाया है टमाटर, हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट, और ये भी इन्हीं सब्जियों में जाएगा। सब्जियां हमारी पक चुकी हैं तो गैस कर देंगे बंद और इन सबको मिला देंगे चावलों में। चावल है जो वो हाफ कुक्ड हैं, इनके साथ थोड़ी देर और कुक करेंगे। ये देखें, ये मिला देंगे सारी सब्जियां। अब इनको अच्छे से मिक्स करके इनको थोड़ी देर हम कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं करना बस थोड़ी देर। ये प्याज चावलों के ऊपर डाल देंगे। ये प्याज ऊपर डाल दिए हैं और बस लास्ट स्टेप, ये थोड़ा सा फूड कलर है तो वो डाल देंगे थोड़ा सा। अब इनको दम पे रखेंगे। जी फ्रेंड्स, ये हो चुकी है मेरी वेज बिरयानी तैयार और बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है और बस अब मैं इसको करने लगी हूँ सर्व। तो मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये मैं लेकर जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, वो मांग रहे थे खुशबू, सूंघते ही बस मांगने लगे। तो आप भी बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए, बहुत ही अच्छी बनती है। सेम मेथड है जैसे चिकन बिरयानी बनती है, मटन बिरयानी, सेम ही वेज बिरयानी का मेथड है। तो आप भी बनाइए और खाइए। मैं सिर्फ आपको ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी कि मैं ऐसे बनाती हूँ बिरयानी। तो होप करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन बिल्कुल भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो क्योंकि मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत मिला है मुझे आपसे प्यार और सपोर्ट, और होप करती हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। अब मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।